आज हम बात करेंगे पावर बीआई के बारे में, और पावर बीआई पे हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। एक डेटा को लेंगे और डेटा के ऊपर एक डैशबोर्ड प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हम डेटा इंपोर्ट करते हैं। तो डेटा इंपोर्ट कैसे करें? जैसे पहले बताया आपको कि पहले आप उस डेटा को चेक करें जिसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, राइट? क्योंकि डेटा डेटा पोजीशन में होनी चाहिए, अदरवाइज आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो मैं व्यू में आके इसके अंदर आता हूँ, डिटेल्स, और डिटेल्स में देता हूं लास्ट मॉडिफाई। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक सिप डेटा है, इसी को लेता हूँ। या फिर चलिए सिप डेटा तो है, बीआई टेबल जो कि मैं मोस्टली यूज करता हूँ, इसी चीज को लेता हूँ। अब इस डेटा को करने से पहले एक बार चेक कीजिए कि डेटा आपका डेटा फॉर्मेट में है या नहीं। डेटा फॉर्मेट इन द सेंस कि आपका सबसे पहले डेटा स्टार्ट होना चाहिए रो वन से। दूसरी चीज, आप देखिए कि इधर कोई अननेसेसरी चीज नहीं हो, नीचे डेटा के नीचे चेक कर लो कोई चीज टाइप किया हो नहीं हो। कैसे चेक करेंगे? इसको सिलेक्ट करके नीचे तक आ जाइएगा, यहाँ कोई काउंट अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब है इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। तो कहने मतलब डेटा होना चाहिए, डेटा के अलावा कोई अननेसेसरी चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी, इसको फिल्टर लगाइए। फिल्टर लगाने के बाद चेक कीजिए कि इसके अंदर जैसे कि प्रोडक्ट है, तो इसमें कोई नंबर वगैरह तो नहीं लिखा हुआ है। डेट है, डेट में कोई टेक्स्ट वगैरह तो नहीं लिखा हुआ है। डेट इस तरह से ग्रुप में आ रहा है ना। ये नंबर है तो नंबर में कोई टेक्स्ट तो नहीं लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर इसके अंदर नंबर वगैरह होगा तो डेटा टाइप थोड़ा सा गलत हो जाएगा। डेटा टाइप जो गलत हो जाएगा तो रिपोर्ट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने बोला इसको एक बार चेक कर ले। अब हम इसको क्लोज करते हैं। अब आते हैं सेव करके पावर बीआई। पावर बीआई पे हम डेटा इंपोर्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि पावर बीआई का अपना कोई डेटा नहीं होता है, सो इंपोर्ट द डेटा। तो यहां पे हम इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल लेते हैं और यहां हम अपना टेबल को लेते हैं और यहां पे करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करें। अब कितना इंतजार करेंगे वो आपके सिस्टम और आपकी पीसी पे डिपेंड करता है। फिर मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने डेटा को एक बार चेक करता हूँ कि डेटा यहाँ पे सब कुछ सही आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिख रहा है ना, क्वांटिटी लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में नहीं है। तो कोई भी नंबर अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है, इसका मतलब समझिए कि उस नंबर को इसने एज ए टेक्स्ट रिकोगनाइज किया है। क्या रिकोगनाइज किया है? एज ए टेक्स्ट। तो उस केस में क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके आप चले जाइए ट्रांसफॉर्म डेटा, जहां पावर क्यूरी होगा वहां पे इसको चेंज कीजिए। बट मेरे सिस्टम में कोई ऐसा नहीं है, तो मैं इसी को यहां पे लोड कर देता हूं। लोड कर दिया। अब यहां पे देखिए सीट वन आ गया, डेटा वगैरह आ गया। अब यहां पे एक बार हम टेबल पे जाके भी अपने डेटा को देख लेते हैं। थोड़ी सी कोई दिक्कत है उसको थोड़ा चेंज करते हैं। जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज में होना चाहिए, तो भी सिलेक्ट द प्रॉफिट और यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल दे दिया। ये प्रॉफिट अमाउंट डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जीरो के जगह, ऑटो के जगह पे जीरो डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, और डेटा बिल्कुल सही। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो डेटा आपको दिख रहा है ना, उसमें पहचानना जरूरी होता है कौन सा क्या डेटा फॉर्म। गुड मॉर्निंग संजय गांधी जी। अब यहाँ पे देखिए, आपका अमाउंट का आगे लगा हुआ है ए सम ऑफ का साइन। ये सम ऑफ का जो साइन लगा हुआ है, इट मींस ये नंबर है। अब आईडी भी नंबर है, तो ठीक है नंबर है। अब नंबर के कारण एक छोटी सी दिक्कत होगी, जहां मैं आईडी को रखूंगा वहां पे वो सम हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, कुछ इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएगी। क्योंकि ऊपर आप देख सकते हैं समराइजेशन विथ,
यहाँ पे समराइज के यहाँ पे कर दीजिए डोंट समराइज, इससे क्या होगा कि आपकी समराइजेशन नहीं हो, तो सम अगर ले लेगा थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए ओके। तो हमने डेटा को चेक कर लिया कि डेटा बिल्कुल सही है, सिटी है हमारे पास, स्टोर है, तो ये मेरा सिटी है, तो डेटा कैटेगरी में जाके आप इसको सिटी कर दें ताकि मैप चार्ट लगाने में प्रॉब्लम ना हो। तो हमने अपने डेटा को अपने हिसाब से फिट कर लिया, हमने परसेंटेज चेंज कर लिया, हमने अपना डेसिमल्स हटा दिए, हमने इसकी समराइजेशन को गलत कर दिया, डोंट समराइज कर दिया, साथ में हमने स्टोर को क्या कर दिया, सिटी कर दिया। सो हमने डेटा इंपोर्ट करने के बाद डेटा को रेडी कर लिया अपने रिपोर्ट्स बनाने, उठ जाते हैं डैशबोर्ड में। अब यहाँ पे दिक्कत है, सीट वन दिख रहा है, तो राइट क्लिक करके मैं इसको रिनेम कर सकता हूँ अपने हिसाब से जो चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे लिख दिया डेटा, एक डेटा अच्छा लग रहा है ना, या फिर कोई डेटा और हो, सेल्स डेटा इस तरह का कोई चीज रख दे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। वैसी प्रॉब्लम कब होगी, जब आप कई सारे फाइल्स या कई सारे शीट्स का डेटा लाएंगे और सब में मान लीजिए 5 फाइल है, सब में आपका सीट वन आ गया, तो सीट वन रहेगा तो सीट वन वन, सीट वन टू, सीट वन थ्री, इस तरह से आएगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगी कौन सा डेटा किसका है। तो डेटा शीट को आप अपने हिसाब से रिनेम, रिनेम करने के बाद अब आते हैं हम डैशबोर्ड पे। कहाँ आते हैं, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पे यहां पे आए, अब इसका नाम चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से डैशबोर्ड, ठीक है। अब यहां पे एक छोटी सी कंफ्यूजन आती है कि सर आई एम न्यू इन द पावर बीआई और मैं अपना रिपोर्ट बनाना कैसे शुरू करूं, मतलब कैसे आइडिया आएगा दिमाग में, ऐसे कोई विजुलाइजेशन को पिक करके रख के दे रख दूंगा ना, एक प्रॉपर वे में अरेंज करना है तो क्या करें, क्योंकि बचपन में हमारी पेंटिंग भी कमजोर थी, अगर कोई बनाने के लिए अगर पेंटिंग क्लास की में हम लोग क्या करते थे, एक केला बना देते थे या फिर एक आम बना देते थे, क्योंकि तो सिंपल होता था बनाना, केले में पीले कलर भर दिए, आम में भी पीला हरा कलर भर दिया, सर ने डांटा तो अगली बार आम के साथ आम के पत्ता ही बना दिया। क्या गांधी जी आप क्या बना देते अपनी ड्रॉइंग क्लास में, तो ड्राइंग भी मेरी कमजोर है, ड्राइंग मेरी बचपन से कमजोर है, क्योंकि बताया ना आपको ड्राइंग क्लासेस तो होती थी बट हम लोग क्या करते थे, एक एक आम या केला बना देते थे, और कभी सर को कभी जैसे एग्जाम वगैरह हुआ तो घर नहीं होता है, सर बना देते थे, वो जो सिंपल होता था XR बॉक्स, XR वगैरह डिजाइन किया और उसी पे घर का शेप दे दिया, इससे ज्यादा नहीं। अब कैसे करें, मैं कैसे थिंक करें कि हम क्या बनाए, तो इसमें शुरुआती दौर में, अब ऐसा नहीं कि हर जगह आप नकल करें, पर शुरुआती दौर में गूगल आपको सहारा करेगा, आप क्या करें पावर बीआई डैशबोर्ड, क्या सर्च करें पावर बी आई डैश बोर्ड सर्च करके एंटर प्रेस करें। अब इसके इमेज वाले सेक्शन में चले, यहां आपको पावर बी आई का पूरा डैशबोर्ड दिखेगा। अब आप देखें कि मैं मेरा जो डेटा है, एक बार डेटा को इमेजिन कर लें, जो डेटा मेरा है वो क्या है कि डेट है, सिटीज है, ये हमारा नेम है, क्वांटिटी एमआरपी अमाउंट और प्रॉफिट है, और ये प्रोडक्ट है, टारगेट भी है, मंथ ईयर भी है, ठीक है। तो अब हम अपने दिमाग में सेट करेंगे और अपने रिपोर्ट को इसमें सेट करने की कोशिश करेंगे कि हमारा रिपोर्ट किस तरह का होना चाहिए। अब इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट अब शुरुआत में तो बना नहीं पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो इस सब पे ध्यान नहीं दीजिए, देखिए जो अट्रैक्टिव हो और यूजफुल हो। जैसे कि ये देखिए आपके सामने दिख रहा है ये रिपोर्ट, ये डैशबोर्ड थोड़ा सा हमारा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली है, तो हम यहाँ पे क्वार्टर की जगह पे ईयर कर देंगे, यहाँ पे अपने इनिशियल कर देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज, नेम वाइज, कंट्रीब्यूशन ईयर वाइज, मंथ वाइज कंट्रीब्यूशन कर देंगे क्या, तो ये डैशबोर्ड थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। ओके तो चलिए इसी डैशबोर्ड को नकल करते हैं। तो सबसे पहले बैकग्राउंड, ये देख सकते हैं कि पीछे पिंक है, बाहर बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड जो है आप मुझे यहां से कैनवेस का बैकग्राउंड सेट करने के लिए इस पे जाके
और कैनवस बैकग्राउंड के अंदर में आप अपना कलर चूज कर सकते हैं जो कलर आपको सूट कर रहा है। ट्रांस यहाँ पे तो बैकग्राउंड मत कीजिएगा, बैकग्राउंड करेंगे तो 100% ट्रांसपेरेंसी आपको घटाना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो बैकग्राउंड हटा देते हैं, बैकग्राउंड नहीं चाहिए। वॉलपेपर, वॉलपेपर भी कर सकते हैं, वॉलपेपर हम लोग यूज करते थे एक्सेल अरे इसमें विंडोज में, तो सब भी सही लग रहा है। लेकिन मुझे वो कलर जो यहाँ पे जो कलर थोड़ा सा दिया हुआ है कि इधर डार्क है इधर लाइट है, ऐसा कलर नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली ये पीछे जो दिख रहा है ये आपका वॉलपेपर है, ना कि कलर है, सिंगल कलर है। तो अब हम अपने बैकग्राउंड में वॉलपेपर कैसे डालें एक अच्छा सा? तो यहाँ पे हम गूगल में अगेन सर्च करेंगे, यहाँ पे पावर बी आई रिपोर्ट वॉल पेपर और डिजाइन में इमेज पे चले जाए, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिलेंगे। ये हो गया, और अगर मान लीजिए पावर बी आई वॉलपेपर से नहीं मिल रहा है तो रिपोर्ट हटा दीजिए, सिंपल सा वॉलपेपर डालिए, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप है, पिंक कलर है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर है यहाँ पे, इसमें डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे बैकग्राउंड एक, ये तो लड़की वाला कलर आ गया सर, सॉरी मनप्रीत जी, बुरा मत मानिएगा। डेस्कटॉप ठीक है, वॉलपेपर इन कलर, दिख रहा है? इस तरह के वॉलपेपर्स आपको मिलेंगे। अब इस तरह के वॉलपेपर में जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपकी डिजाइनिंग आपकी आपके हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है, यू कैन सुडे, आप जो है अपना डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे? तो सबसे पहले आप अपना चूक चेंज कर लीजिए, तो ये वॉलपेपर थोड़ा ठीक लग रहा है, सिंपल है, क्योंकि रिपोर्ट्स में ज्यादातर कलाकारी दिखाने भी थोड़ा सा कुछ लोगों को कलर पसंद आता है, कुछ लोगों को कलर पसंद नहीं आता है, तो दिक्कत हो सकती है, बट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। और नहीं एक बार देख लेते हैं, तो सर्च कर सकते हैं यहाँ पे जो आपको ठीक ठाक लगे। देखिए जो मैं रिपोर्ट कॉपी करने वाला हूँ तो पीछे में कुछ इस तरह का है, तो उससे सिमिलर जो है हम देखना चाह रहे हैं, इसको कर रहे हैं इसको, या ये दोनों में से कोई एक कौन अच्छा रहेगा? विपिन जी आप बताइए कौन सी रहेगा, ये ठीक रहेगा ये ठीक रहेगा? विपिन जी नया है ना, तो विपिन जी का ही हम बात मानेंगे। तो आप तो मन रखने वाले बता, बातें बता दी। चलिए आप दोनों में से नहीं, ये चल सही, ये ठीक है ठीक है। इसको राइट क्लिक करके आप क्या कीजिए, सेव इमेज, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। हम इसको बीजी के नाम से डाउनलोड कर लेते हैं ताकि हम सही देखें। अब इसमें आते हैं और यहां से हटा के ब्राउज पे आते हैं, इसमें ब्राउज पे डाउनलोड करते हैं, इसको सेलेक्ट करके ओके करते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी अगर आपको ज्यादा डार्क लग रहा है तो ट्रांसपेरेंसी को कम करेंगे तो थोड़ा सा लाइट होगा, ठीक है ना, इस तरह से ओके। अब इसमें हम अपनी रिपोर्ट्स को लेके चलते हैं, जो हमारा रिपोर्ट है, आई रिपोर्ट में आते हैं। सबसे पहले यहां मेरा क्या है, सेल्स डैशबोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां हम इंसर्ट में आते हैं, और ये आपको टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि कुछ लिखना है तो आपको पावर बीआई में टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू ही लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में मैं यहां लिखा सेल्स डैश बोर्ड, क्या लिखा, सेल्स डैश बोर्ड, और अपने हिसाब से साइज ले लिया कि कितना साइज होना चाहिए, इसको सिलेक्ट किया, और इस पे इसकी जो टाइप ए है हमारा जो साइज है उस साइज को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं ताकि फिट हो मिडल, सही है सही है बिल्कुल। अब इसकी कलर को हम बाद में व्हाइट करेंगे, फिलहाल हम इसकी बैकग्राउंड को सही करते हैं,
सा बड़ा करते हैं। बड़ा ताकि साइड में जो स्क्रॉलिंग सिस्टम है ना वो ना आए, इतना बड़ा कर। अब इसकी इफेक्ट में आई, अब इसकी बैकग्राउंड दिख रहा है कलर व्हाइट है, तो या तो आप इस पे कोई और कलर करना चाहते हैं तो कोई और कलर करें, या फिर आप इसकी व्हाइट की ट्रांसपेरेंसी को घटाते चले जाए, ठीक है ना, जो कि इस रिपोर्ट में किया गया। इस रिपोर्ट में कोई कलर नहीं किया है, पीछे के कलर को उसने शो कर दिया, समझे। ये सही रहे इतना, ठीक है। शैडो देना चाहते हैं तो शैडो दे दीजिए, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। विजुअल बॉर्डर, बॉर्डर दिख रहा है आपको, तो बॉर्डर की जो कलर है नहीं, बॉर्डर मत दीजिए, बॉर्डर का गलत होगा, ठीक है। अब इसकी जो टेक्स्ट साइज है उसको मैं यहां से कर देता हूं वाइट और साथ में बोल्ड, परफेक्ट लग रहा है। अब यहां पे क्वार्टरली है तो मेरा डेटा, अपने मैं अपने डेटे पे आता हूं तो मेरा डेटा बेसिकली जो है 2020 21 चार साल का है, तो क्वार्टर की जगह पे हम ईयर करें तो ठीक रहे, ठीक है। और ईयर यहां पे मैंने अलग से निकाला हुआ भी है, तो इस केस में हम यहां पे स्लाइसर लेंगे, क्या लेंगे, स्लाइसर। अब स्लाइसर के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी इस फील्ड में से जो ईयर था ना इसको लेंगे। तो स्लाइसर किस काम के लिए आता है, फिल्टर, जैसे पिवट टेबल में आपने स्लाइसर पढ़ा था, सेम यहां पे आपका पिवट आता है स्लाइसर किसमें, फिल्ट्रेशन में। अब यहाँ पे आते हैं स्लाइसर सेटिंग में, क्योंकि मुझे इस तरह से नहीं चाहिए, एक ये चाहिए, आप जैसे आपको दिख रहा है टाइल सिस्टम है ना, टाइल सिस्टम, उस तरह से टाइल सिस्टम चाहिए। तो उस केस में स्लाइसर सेटिंग में बिटवीन के जगह पे टाइल कर दिया, फिर टाइल सिस्टम आ गया। अब इसको छोटा करें इस तरह से ताकि ए उसी एरिया में फिट हो जाए, ठीक है। और अब यहां पे हम आते हैं, सबसे पहले आप 2020-21-22 लिखा हुआ है तो इस पे ईयर की जरूरत, हेडिंग दिखाने की जरूरत तो नहीं है, तो हेडिंग को मैंने हटा दिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसकी वैल्यू, तो जैसे यहां पे देखिए वैल्यू का कलर व्हाइट है और बैकग्राउंड जो है वो क्या है, ब्लू है, तो मैं भी सेम करूंगा इसकी यहाँ पे बैकग्राउंड में आता हूं, बैकग्राउंड का कलर मैं यहां से ब्लू ले लेता हूं और इसकी टेक्स्ट कलर व्हाइट ले लेता हूं, ठीक है। और फिर स्लाइस यहां पे आते हैं इसकी जर्नल में और इसके आते हैं इफेक्ट में, इफेक्ट में। अब हमने इसकी जो इफेक्ट कितना परसेंट है, 71% है, तो हम सबकी 71% ही रखेंगे इफेक्ट, ठीक है सर। तो इफेक्ट में हम यहां पे इसको इसकी 71% हम 71% कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे शैडो कर देते हैं, थोड़ा सा शैडो के रूप में इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब साइज जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, तो साइज बिल्कुल सेम साइज में होना चाहिए और इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल है, क्या है, टोटल। तो यहाँ हम अपनी कोई भी फिगर दिखाने के लिए क्या यूज करते हैं, यूज करते हैं कार्ड को, तो 1, 2, 3 जो लिखा हुआ है वो कार्ड, तो कार्ड को लेते हैं इसके ऊपर मैं रखता हूं टोटल क्वांटिटी। विक्रम जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आपने शोर आ रहा है, प्लीज। तो हमने टोटल ले लिया, टोटल लेने के बाद अब इसमें दो चीजें हैं, सम ऑफ क्वांटिटी लिखा हुआ आ रहा है, अब आपको सम ऑफ क्वांटिटी ही चाहिए तो ठीक है, क्योंकि इसको चेंज नहीं कर सकते, इसे मैं अदरवाइज टाइटल लगा सकते जो कि हमने
डिस्कस किया था। तो यहां हम आते हैं इसकी इफेक्ट में। सबसे पहले इफेक्ट में आते हैं, इफेक्ट में इसका इफेक्ट हम 71% कर देते हैं, उसके बाद इसका हम दे देते हैं रिटर्न, ठीक है। एक चीज में होता था, अब आता है लेवल। लेवल इसकी सबके कलर व्हाइट होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे इसकी व्हाइट और कलर्ड वैल्यू इसकी भी कलर मैंने व्हाइट कर, साथ में बोल्ड भी जोड़ी है। रैप टेक्स स्पेसिंग नहीं चाहिए, लेवल चाहिए। इसमें एक चीज और होता है, ये जो कॉर्नर से ऐसा है ना, इसको हम ए करते हैं, मतलब कि इफेक्ट टाइटल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में तो कोई खास नहीं है। इफेक्ट में आते हैं, अगर हम विजुअल बॉर्डर देते हैं तो इसकी, हाँ राउंड कॉर्न। अब यहाँ पे बॉर्डर की कलर जो है, यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे इफेक्ट पे, इफेक्ट के अंदर यहाँ पे विजुअल बैकग्राउंड कलर ये है, बॉर्डर कलर जो ब्लैक है ना इसको आप कर दीजिए व्हाइट, साथ में इसकी राउंड कॉर्डर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। इसकी कॉर्नर में बढ़ा देता हूँ इफेक्ट में, 6/10 करता हूँ, इतना सही है। और रो अगर करना है तो और भी कर सकते, लेकिन ये सही है। और इसको उठा के मैंने रख, यहाँ मुझे यहाँ पे 3 चाहिए ना, ठीक है। अब बार बार क्या करूं, अब इस सबको भी सेम करना है, तो विजुअल में आप कर सकते हैं, यहाँ पे इफेक्ट के अंदर बॉर्डर, विजुअल बॉर्डर, और यहाँ पे इसकी 15 कर दीजिए, 15 था ना, इफेक्ट कलर व्हाइट, बॉर्डर ऑन कर दिया, कलर व्हाइट कर दिया, और इसकी कॉर्नर कर दी 15। ठीक है, हो गया। अच्छा अच्छा दिख रहा है ना सर, इसको भी करना है तो देखिए, तो इसकी इफेक्ट, इफेक्ट में बॉर्डर, बॉर्डर की कलर व्हाइट, क्योंकि तो ब्लैक होगा तो दिक्कत होगा, व्हाइट सही लग रहा है, और इसको 15। तो इस तरह से रहेगा। अब इसी को कॉपी करता हूं और यहां पे पेस्ट करता हूं और इसको आगे ड्रैग करता हूं, और इसके अंदर अब इसमें मुझे 3 चाहिए, तो ये 2 ही आ रहा है, क्योंकि ये हो गया है छोटा, ये थोड़ा बड़ा हो गया है, अमाउंट ज्यादा बड़ा था ना इसका अंदर, अगर मैं इसको छोटा करता हूं हो सकता है छोटा, यहाँ पे अब 3 आ जाएगा ना। अब इसमें हम क्वांटिटी को हटाते हैं, इसमें हम रखते हैं टोटल अमाउंट, जो मेरा अमाउंट सही है। वापस इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और इसको यहां पर रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अमाउंट हटाते हैं और अपना प्रॉफिट रखते हैं, राइट। अगर से 2021 सेलेक्ट करेंगे तो पूरा रिपोर्ट 2021 से 2020 के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे मुझे एक और चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्टोर बाय चार्ट चाहता हूं, तो मैं यहां, अब यहां पे चाहो तो आप अपना चार्ट ले लो,
या अगर आप चाहिए टेबल तो टेबल ले लो। तो मैं चाहता हूं क्या चाहते चार्ट ही सही रहेगा, तो ये पाई चार्ट आपका क्या है, बार चार्ट, सॉरी बार चार्ट है, बार चार्ट को लिया और यहां पे बार चार्ट को रखा नीचे तक ड्रैग किया, क्योंकि मुझे इस सीक्वेंस में दो चार्ट घुसाने हैं, दोनों का सेम साइज है, उसी हिसाब से अलाइनिंग देख लीजिएगा, इससे नीचे वाला आपका विजुअल नहीं होगा, इससे ऊपर वाला ही विजुअल होगा। अब इसमें हम अपना रखते हैं बार चार्ट हो गया, अब इसमें क्या रखते हैं, इसमें रखते हैं अपनी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के साथ इसकी क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी रखेंगे ए आर। अब इसकी भी फॉर्मेटिंग मुझे करनी होगी। सबसे पहले तो इसकी इफेक्ट में आते हैं, इफेक्ट में आने के बाद इसकी बैकग्राउंड को 71% कर देते हैं, बॉर्डर लेते हैं, बॉर्डर में हम इसकी कलर व्हाइट करते हैं, व्हाइट करने के बाद इसको भी 15 फीट पे मोड़ देते हैं, शैडो दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी जो बाकी जो सम प्रोडक्ट वगैरह दिख रहा है ना, उसको थोड़ा सा करते हैं, जैसे कि कलर जो है बार का वो ब्लू ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो एक्सिस है सबका कलर जो ब्लैक है उसको व्हाइट कीजिए, ठीक है, और बोल्ड करना है तो बोल्ड कीजिए। ऐसे ही आपका एक्स है नीचे जो 0 और 50 के है, उसको भी यहाँ पे वैल्यू पे आके इसकी भी कलर जो है व्हाइट कीजिए। अब इसकी जो टाइटल है इस टाइटल को भी लीजिए, जहां जहां कलरिंग सिस्टम है आपको मैनुअली व्हाइट जो है चेंज करना पड़ेगा। बैकग्राउंड अगर डार्क रखते हैं तो एक यही एक पंगा होता है कि हर जगह आपको उसकी कलर को चेंज करना हो, एक से चेंज नहीं होगा, हर किसी का अलग अलग यहाँ पे फॉर्मेटिंग है, ओके। अब इस पे हम आते हैं आगे जनरल पे, जनरल पे भी हमारे पास टाइटल है, और इस टाइटल को अगर लिखना चाहते हैं तो लिख दे यहाँ पे कि सोल्ड क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट, और इसकी जो कलर है उस कलर को टेक्स्ट कलर को व्हाइट बोल्ड कर दीजिए, क्योंकि टाइटल थोड़ा बोल्ड होता है। साइज बढ़ाना है तो साइज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन साइज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्या बढ़ा भी सकते हैं, एक आपका ये फिक्स हो गया। अब इसी को कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए, और इसको आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा नीचे करना जरूरी था, यहां। अब इसमें मुझे यहां पे मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट है तो कंट्रीब्यूशन चाहता हूँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे पाई चार्ट चाहिए, तो जस्ट वी हैव क्लिक द पाई चार्ट, पाई चार्ट में यहाँ कंट्रीब्यूशन आ गया। अब इसकी फॉर्मेटिंग पे जाइए, अब अपना जो लेना चाहते हैं लेजेंड है, मैंने लेजेंड नहीं चाहिए, लेजेंड को ऑफ कर दिया, ठीक है। स्लाइस वगैरह सब बिल्कुल सही है, और यहाँ स्लाइस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अलग अलग कलर यहाँ दिए हुए हैं। उसके बाद डिटेल्स लेबल जो है ये आउटसाइड है, आउटसाइड रहने दीजिए। अब क्या क्या है, तो मैंने ऑल डिटेल्स लेबल कर दिया, तो उसमें मेरा प्रोडक्ट नेम यहीं पे आ। अब इसकी जो कलर वगैरह है वैल्यू की, वो थोड़ा सा वाइट करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा ताकि दिखे, ठीक है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉपी किए पेस्ट कर, ठीक है। अब इसमें मुझे ये हो गया, इसमें एक डोनट चार्ट चाहिए, इसको लेता हूं, इसको डोनट चार्ट में कन्वर्ट करता हूं। डोनट चार्ट में मुझे प्रोडक्ट वाइज नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ मंथ वाइज, तो मैं यहां से मंथ को लिया और मंथ को रख दिया यहाँ पे, सॉरी सॉरी यहाँ मंथ हमें रखना है यहाँ लेजेंड, और क्वांटिटी रखना है यहाँ, एक्सक्यूज मी सर, बोलिए, स्पीडोमीटर लगा सकते हैं? हाँ लगाएंगे, स्पीडोमीटर भी लगाएंगे। लेजेंड मैंने ऑफ कर दिया, और यहाँ पे हम अपने डिटेल्स लेवल पे आते हैं, ये आउटसाइड सही है, यहाँ पे हम ऑल डिटेल्स ले देते हैं,
और इसकी वैल्यू की कलर व्हाइट कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा आ गया बाई प्रोडक्ट, ये मंथ हो गया ना। अब इसकी टाइटलिंग भी चेंज, अब यहाँ पे जैसे कि इसको टाइटल चेंज कर दीजिए, क्योंकि हर किसी टाइटल अलग अलग होना चाहिए ना। तो सोल्ड क्वांटिटी नहीं, यहाँ पे हम करते हैं शेयर, तो शेयर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, शेयर ऑफ क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे लिखिए शेयर ऑफ मंथ जनरल के टाइटल में, शेयर ऑफ मंथ मंथ मैंने शेयर ऑफ क्वांटिटी क्वांटिटी बाय मंथ, अब इसको यहां से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, एक और यहां पेस्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हमारा हाँ ये वाली चार्ट था इसी का, ठीक है। और इसमें मैं मंथ हटाता हूं, क्वांटिटी हटाता हूं, इसमें मैं रखता हूं अपना स्टोर, स्टोर रखा, स्टोर बाय अमाउंट रेवेन्यू, ये हमारा रेवेन्यू आ, और रेवेन्यू थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि स्क्रॉलिंग आ रहा है, तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग नहीं आनी चाहिए, इसको हम एक लंबा सा बड़ा रख देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर हम जो है यहाँ पे वाई एक्स में आते हैं, इसकी कलर व्हाइट करते हैं ताकि नाम व्हाइट हो जाए, और बाकी और भी चीजें को व्हाइट करना चाहे कर सकते हैं, टाइटल वगैरह आपने हिसाब, टाइटल में टाइटल एक कलर व्हाइट है ऑलरेडी, जनरल में आते हैं टाइटल चेंज करते हैं, यहाँ लिखते हैं हम रेवेन्यू बाय स्टोर, अब यहां हम चाहते हैं अपना ये डोनट, मुझे यहाँ पे दिखाना है कि मेरा जो ए है सेल्स है, मतलब कि टारगेट है, वो मैच किया कि नहीं किया, तो मैं अपनी क्वांटिटी को यहाँ रख रहा हूं और जो मेरा टारगेट है ना उसको मैक्सिमम वैल्यू में रख रहा हूं, ठीक है। अब मुझे इसको बार बार चेंज करना पड़ सकता है, तो इसको मैं यहां से डिलीट करके इसको लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ, क्योंकि बाद में फिर फॉर्मेटिंग ना करना पड़े, और फिर इसकी अपनी ए चेंज कर देता हूँ, क्या चेंज कर देता हूँ कि मेरा जो चार्ट है इस तरह का चार्ट होना चाहिए, इसमें से मैं अपना सम ऑफ क्वांटिटी तो है ही, अब यहाँ पे टारगेट को मैक्सिमम में डाल देते हैं, ठीक है। बाकी जो चेंज करना है जैसे कि मुझे डेटा लेवल जो है वो व्हाइट चाहिए, बिल्कुल सही है, वैल्यू जो है वो भी वाट चाहिए, बिल्कुल सही है, और बाकी ए जो है अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा रिपोर्ट बन के तैयार। आपने देखा कि मुझे इस रिपोर्ट को बनाने में, समझाते हुए बनाने में मात्र 20 मिनट का टाइम लगा। अब इसी रिपोर्ट को अगर आप एक्सेल में बनाएंगे तो मे बी आपको करीब करीब 2 घंटा तो लगेगा, और साथ में बहुत सारा एफर्ट लगेगा। अब रिपोर्ट बन के तैयार है, उसके बाद फाइल को सेव कर लीजिए नॉर्मली कंट्रोल एस से, तो 7AMDS1 के नाम से हम इसको सेव करते हैं डी ड्राइव। अब इसको यहां से मुझे पब्लिश करना है, क्या करना है पब्लिश, जब मैं इसको पब्लिश करूंगा माई वर्क स्पेस में तो ये जाएगा मेरे पावर बी आई रिपोर्ट्स पे। तो अगर मैं अपना पावर बी आई का वेब कंसोल खोलूं, ये रहा पावर बीआई का वेब कंसोल, अब यहां पे रिपोर्ट्स आ जाएंगे, गॉट इट,
माय अबक स्पेस में मैं जाता हूँ, यहाँ पे माय अबक स्पेस में, और 7AN DS1 ये रहा डेटा सेट, और ये रहा हमारा रिपोर्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट सामने मुझे दिख जाएगी सेम फॉर्मेट। अब मैं एडिट करूंगा तो यहाँ अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ। शेयर, अगर आपके पास प्रो आईडी है तो शेयर कर सकते हैं, टीम के साथ जा सकते हैं। तो इस सब चीजों के लिए आपके पास आईडी होना चाहिए। इसको अगर हम एक्सपोर्ट करना चाहे तो पावर पॉइंट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एम्बेड इमेज या लाइव डेटा। लाइव डेटा करेंगे तो पावर बीआई में लॉग इन करना पड़ेगा, एम्बेड इमेज करेंगे तो इमेज के अंदर आ जाएगा, पीडीएफ पीडीएफ में आ जाएगा। उसके अलावा इसको आप यहाँ पे कॉपी डाउनलोड कर ही एम्बेड कर सकते हैं यहाँ पे शेयर पॉइंट में, वेबसाइट पोर्टल पर, पब्लिक पब्लिक पब्लिश पब्लिक वेबसाइट पोर्टल होगा कि वेबसाइट पे इंटीग्रेट किया जाएगा। अब क्यूआर कोड रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं पब्लिश ऑन द वेब कर देता हूँ और यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, पब्लिश करता हूँ। अब मुझे मिल गया मेरा लिंक। अब इस लिंक को किसी को दे दीजिए, वो अपना रिपोर्ट एक्सेस कर पाएगा। दिख रहा है सर, राइट? और ये हमारा डेस्कटॉप पे है। अब इसमें अगर मैं मोबाइल व्यू पे जाऊं तो इस रिपोर्ट को मोबाइल व्यू पे ऊपर भी कंसोलिडेट कर सकता हूं। जैसे मैंने टाइटल यहां रख दिया, मोबाइल व्यू के ऊपर, तो इसकी जो सारे कलर व्हाइट है ना, इसकी व्हाइट लेआउट लाइन नहीं चाहिए, एक व्हाइट से चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर व्हाइट पे देते हैं यहाँ पे तो ये दिखता ही नहीं है। अब इसकी टाइटल इफेक्ट ना, अच्छा इसकी इसकी इफेक्ट चेंज नहीं हो सकती ना, इसकी अलग फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। मोबाइल विजुलाइजेशन आपको बाद में बताएंगे, हम डेस्कटॉप पे आ, और मोबाइल में कुछ चेंज करेंगे तो डेस्कटॉप में कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है? इसमें वो कलर लेना पड़ेगा, मोबाइल पे आते हैं तो बीच में वाइट वाइट दे देता है ना, बैकग्राउंड दे रहता है बट ये वाइट दे देता है। इस वाइट को रिपोर्ट उसी हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, सारा विजुलाइजेशन उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे इफेक्ट में जैसे कि यहाँ पे हम 71% की जगह पे चेंज करना, यहाँ पे ब्लू इस तरह से, फिर इसकी टेक्स्ट साइज चेंज करनी होगी, 32 की जगह पे मुझे इसकी साइज जो है वो 10 या 12 करना होगा, ठीक है ना? इस तरह से और रिपोर्ट को मोबाइल के थ्रू, तो वो तो हम डिस्कस कर लेंगे बाद, ठीक है? क्लियर है? हाँ, इसके इसकी सर्वर आईडी चाहिए होगा आपको, मतलब ये जो हमने अभी जिसे यहाँ पे देखा ना आपने, सुजीत कुमार दिख रहा है, ये आईडी दिख रहा है, इससे लॉगिन मैंने यहाँ भी किया हुआ है और सेम आईडी को मैंने लॉगिन अपने पावर बीआई कंसोल में भी किया हुआ है, यहाँ देख, ठीक है? अब इसकी आईडी आपके, अब ये तो मेरा है, आपके लिए आपकी आईडी पासवर्ड मुझे बना के देना, ठीक है? तो मैं बना के आपको एक दो दिन में दे देता हूँ सर। वो थोड़ा सा खाली करना पड़ेगा, लिमिटेड है सीट हमारा, तो पुराने आई मैंने सबको बोल दिया है कि अपना डैशबोर्ड वगैरह डाउनलोड कर लें, मैं आईडी रिमूव करूंगा। तो उनको रिमूव करने के लिए कम से कम, क्योंकि सारे वर्किंग है तो 4-5 दिन का टाइम देना होता है ना सर, ठीक है? तो आप लोगों को ये डेटा ये फाइल दोनों शेयर करता हूं, आप लोग जो है इसको बनाइए, बना